बंद हो तो माइक की जरूरत नहीं पड़ती है किसी को भी। कि राजस्थान में भूकंप इसलिए आया था क्योंकि गाइस गुड मॉर्निंग, सो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि सब अच्छी होंगे। और आज 23 मार्च है और भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और अभी हम जाने वाले हैं कॉलेज, क्योंकि आज है हमारे कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की फेयरवेल पार्टी, यानी कि हमारी फेयरवेल पार्टी। कॉलेज में स्टूडेंट तो आए नहीं है विदाई पार्टी के लिए, और यहाँ के हॉस्टल वाले खेल रहे हैं बस, और कोई नहीं है, सिर्फ अकेला मैं आया हूँ। सुबह के 10 बज रहे हैं, 9 बजे का टाइम था विदाई पार्टी का, कोई भी नहीं आया। प्रैंक हो गया आपके साथ। विदाई समारोह 2022-23 एक संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं। फोटो के साथ और इन लड़कियों के साथ चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इसके बारे में अगर कोई विद्यार्थी ऐसा कह दे कि श्रीराम ने ये कहा था तो इसका उलाना मैं लेने के लिए तैयार हूँ। कोई भी स्टूडेंट अगर कह दे, जब मैं बैठा था तो बोलने को बहुत कुछ था मेरे पास, जैसे यहाँ पर आया सब ये हो रहा है, किसी के सामने कभी आगे बढ़ के कुछ कह नहीं पाए, इसी वजह से हो रहा है ना। No. जब हौसला बुलंद हो तो माइक की जरूरत नहीं पड़ती है किसी को भी। सो गाइज अभी फेयरवेल पार्टी चल रही है, डांस वगैरह चल रहा है, मैं तो यहाँ बाहर खड़ा हूँ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ डांस। सो गाइस घर पे पहुंचे हुए, मेरे को टाइम हो गया अभी लगभग 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, 4:45 बजे आए थे हम घर पे वापस, और अभी शाम का टाइम हो रखा है। और घर पे आने के बाद हालत एकदम सही हो गई है, सर वगैरह धो लिया था, हाथ मुंह धो लिए और ड्रेस चेंज कर लिए, और अभी बाहर का मौसम अच्छा हो रखा है, बादल ही बादल है चारों तरफ, और राजस्थान में ऐसा नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है। लेकिन पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर नाइट में बारिश हो रही है कंटिन्यू, कल नहीं हुई थी, परसों और उससे पहले हुई थी 2 दिन तक, और परसों तो भूकंप भी आया था। और वो मीम तो आपने सुन ही लिया होगा कि राजस्थान में भूकंप इसलिए आया था क्योंकि गहलोत जिला शेड कर रहे थे, तो जिलों के बीच में धक्का मुक्की हो रही थी इसलिए आया था, लेकिन वो तो बस एक मीम्स वगैरह है, वो तो जोक्स है। और परसों भूकंप आया था और बारिश भी हुई थी, और आज भी चांसेस है कि बारिश होगी, और फेयरवेल पार्टी भी आज की बहुत ही मस्त रहेगा। आप बताना कि आपको कैसे लगी फेयरवेल पार्टी। मैंने ऑलमोस्ट वीडियो शूट करने की कोशिश की थी, बट क्योंकि हमारी खुद की फेयरवेल पार्टी थी तो फिर बहुत ही कम शूट कर पाया। और बाकी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, बाय।